नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुतले श्रीमते भक्तवदन्त शान्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचाय निर्विशेष शून्यवादी पश्चात वंदेहम श्रीगुरु श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीभुवं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च शिलोपात की निशिंगदेव भगवान गौरवान। परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया, ये भागवत में बहुत लीला असुर के साथ देवता का युद्ध और भगवान देवता का पक्ष लेते हैं, तो मन में शंका है भगवान का क्या लेना देना है, पक्षपात करना है। शुद्ध भक्त जानते हैं भगवान पर, लेकिन फिर भी मन में शंका है भगवान क्यों देवता का पक्ष लेते हैं, जरूरत है। तो नारद सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, आप थोड़ा इसको मेरा बस थोड़ा परिष्कार कर दीजिए। तो उन्होंने समझा, नहीं वास्तव में भगवान किसी पक्ष नहीं लेते हैं। ये जब किसी के अंदर सत्वगुण प्रबल होता है, वो गुण प्रकाश होता है। जिस तरह एक उदाहरण देते हैं, सूरज चोर का पक्ष लेता है क्या? चोरी आदमी कौन सा टाइम करते हैं? रात में। तो ये क्या सूरज का दोष है, जो चल भाग्य, इसीलिए उनको दुनिया देखे क्या तुम अभी चोरी करो, ये क्या? नहीं तो बोलते कि सूरज का दोष नहीं है, चंद्रमा का। तो चंद्र तो वास्तव में वो नहीं, वो एक गुण के अंदर एक व्यक्ति का रूप प्रकाश होता है, असुर व्यक्ति का रूप उस तरह प्रकाश होता है। यह भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। ये प्रसंग में एक आईनी आता है, भगवान किसी पक्षपात लेते नहीं। तो वो प्रसंग में आता है, यह भगवान पक्षपात नहीं करेगा तो देवता का पक्ष तो हमेशा रहते हैं और असुर को मारने के लिए मदद करते हैं। तो ये तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं इसको उत्तर नारद मुनि से सुना, वो डायरेक्ट बताऊंगा। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताया था, जब युधिष्ठिर महाराज पूछा था शिशु बल इतना पापी तो भगवान के शरीर में कैसे विलीन हो गया, तो बताया ये असल शिशुपाल इस पापी नहीं है, जय विजय थे। तो जय विजय तुम्हारे बंधु कृष्ण, उनका जो मामेरा भाई शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं है, जय विजय। तो कहानी बताते हैं, जय विजय का कहानी प्रसंग आते हैं। ये जय विजय स्वर्ग का द्वारपाल, अभी वो द्वारपाल जब थे तब कौन आए थे उधर में? चतुष्क। अभिशाप किसने दिया? चतुष्क मत दिया। और किसने गिर गया? जय विजय गिर गया। तो अभी किसका पक्ष लोगे आप, चतुष्कुमार अच्छा था कि जय विजय अच्छा था? अब अरे चतुष्कुमार क्यों अभिशाप दे भाई वैकुंठ आदमी को? अभी जय विजय का क्या जरूरत था चतुष्कुमार को रुकना? कौन सा पक्ष लेंगे? ये किसी का पक्ष लेना जरूरत नहीं, सभी ये भगवान का आयोजन, भगवान ही वास्तव में एक आयोजन किया है। एक निरपेक्ष दृष्टि में देखेंगे, कौन आया था? चतुष्कुमार। कहा आया था? वैकुंठ। उसके तो बाद क्या हुआ? झगड़ा हो गया, अभिशाप दिया। तब नारायण लक्ष्मी को लेकर आए, आगे क्या बोले? हाँ, बहुत प्रशंसक है। किसके प्रशंसक किया? चतुष्कुमार का। और बोले ये मेरा जो नौकर दोष के, ये मेरा दोष है। तो इसका अर्थ ये बात में अंदर किसको प्रेम कर रहा है? हाँ, कौन हमारे आदमी है? यद्यपि इस तरह बोल रहा है, लेकिन देखो उनका प्रशंसा किसका कर रहा है? चतुष्कुमार का। लेकिन जितना प्रशंसा कर रहा है, किसके प्रशंसा कर रहा है? खुद का आदमी को पोटे ज़्यादा अभिशाप मौत दो तो ये भी और बढ़ने से जाएगा। इस तरह प्रशंसा कर रहा है ताकि आगे ज़्यादा अभिशाप नहीं देगा, ताकि
उनको सेवक को बचाना मुश्किल होता है। तो यह लगता है यद्य भी ज्योतिष कुमार को प्रशंसा करा है लेकिन बैक ऑफ माइंड प्रेम किसके प्रति है, जय विजय। लेकिन जब ज्योतिष कुमार समझ गया है, जब यह हो गया ज्योतिष कुमार कहाँ चले गया, फिर वहाँ से चले गया। यह आदत किया ज्योतिष कुमार, वो केवल आया आंधा तो घुसा ही नहीं, वह आके वहाँ से चले गया। और उधर में कितना टाइम था, थोड़ा टाइम। और वह जय विजय कितना टाइम था वैकुंठ में, तो भगवान का प्रिय कौन है। और उधर में भगवान ने उनको कहा ठीक है कुछ दिन आ जाओ वैकुंठ में, आ गया कुछ दिन रुक के जाओ, बताया क्या बताया नहीं। लेकिन इधर में जय विजय जब पतन हो रहा, तो जय विजय को क्या कहा, तुम जल्दी जल्दी इधर में आ जाओगे। तो हमारी जय विजय का तो महान है। अभी हाँ प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं, गुरु महाराज जो लेक्चर देते हैं, हाँ काली सुन रहा था। तो ये जय विजय का स्थिति क्या है, जय विजय गेट में था क्या, जय विजय अंदर में लक्ष्मी नारायण के साथ थे। जय विजय का स्थिति क्या है, गेट में है अंदर में नहीं है। और वैकुंठ में क्या रस है, यह तक लक्ष्मी देवी के दयाशील में सेवा करते, माधुर्य रस नहीं होती। तो आप विचार करो, ज्योतिष कुमार के बात छोड़ दो, अभी कौन, जय विजय, जय विजय को अंदर पानी मिशन नहीं है, जहाँ पर दास्य रस है वहाँ भी नहीं है। अभी जय विजय बाद में क्या हुआ, तीन साल बाद, तीन जन्म के बाद क्या हुआ, जगई में दिवा, तब उनको क्या मिला, कृष्ण प्रेम मिला। जो जय विजय ये किसी को जो मिला नहीं, यह तक गोलक वृंदावन दूर का बात है, ये वैकुंठ का अंदर में प्रवेश नहीं, गेट के बाहर में था। जो गेट के बाहर में था उनको महाप्रभु लीला में गोलक वृंदावन मिल गया, वाह क्या चीज़ मिल गया। तो ये जो हमको जो मिल रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से, प्रभुपाद के कृपा से जो हमको हरिनाम मिल रहा है, कृष्ण प्रेम, ये ब्रह्मा शिव ज्योतिष कुमार, शास्त्र में जो कभी कभी बोलते हैं अरे कैसे संभव है ज्योतिष कुमार के दुर्लभ, लेकिन दुर्लभ नहीं, ब्रह्मा कभी किया, हाँ ब्रह्मा शिव ज्योतिष कुमार, यह तो लक्ष्मी देवी का, यह तक भगवान का अवतार शेष उनका भी। तो वो चीज़ इसकन का भक्त को मिल रहा है। कैसे, ये अहितु की कृपा है, हमारी योग्यता से नहीं है। हम यदि हमारी स्थिति देखेंगे क्या हमारे इस तरह योग्य क्या है, हृदय में काम भाव दूर नहीं हुआ है, कृष्ण प्रेम का बात चल रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कितना कृपालु है बौद्ध जीव के लिए। ये कृपा चैतन्य महाप्रभु का आयोजन में है, महाप्रभु 500 साल पहले देखा गया है, श्रीमद् भागवत हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, इस तरह शुद्ध भक्त मुख से सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये आज महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बताया, हाँ डॉक्टर समय गुरु महाराज, तो कृष्ण भागवत में तो ज़्यादा ज़्यादा किसका वर्णन है, कृष्ण लीला, उसके बाद यदि किसी का ज़्यादा वर्णन है निशिंहदेव के, एक सेक्शन अलग है निशिंहदेव के लिए, बाकी कोई जगह में इतना अलग अवतार के इतना वर्णन नहीं है। तो कृष्ण लीला के साथ निशिंहदेव लीला के सारा ज़्यादा ज़्यादा रिलेशन है। आज भी मैं जो भागवत पढ़ रहा था, आज बृहद भागवत में तो रहा था वो शिव जी के पास जब गया, शिव जी क्या बताया था, आज वर्णन किया ना, शिव जी क्या बताया था, कौन श्रेष्ठ भक्त, हाँ कौन प्रहलाद के पहले किसके नाम बताया था, लक्ष्मी देवी जी, वैसे किसके पास भेजा था, प्रहलाद के पास, इसका अर्थ प्रहलाद लक्ष्मी से बड़ा है। तो आज भागवत में देखा दे रहा है जब निश्चित बहुत क्रोधित हो गया था, सब देव देवी
कोई जाने का हिम्मत नहीं, लास्ट में हाँ लक्ष्मी के पास है, लक्ष्मी जब लक्ष्मी केवल लक्ष्मी का एरूप कोई दर्शन हुआ ही नहीं था, लक्ष्मी का एरूप पहले दर्शन हुआ ही नहीं था, इसीलिए उनके जाने का हाँ साहस नहीं हो रहा था। लेकिन हुआ गया कौन, तिहा से कौन प्रिय है भगवान का। तो जब आचार्य लोग जब लिखते हैं इस तरह, तो इसका कुछ ना कुछ प्रमाण है, नहीं तो क्यों बोल रहा है। हाँ मन से बना के कुछ नहीं बोला, शास्त्र का युक्ति देखे बोल रहा है। तो मेरा था क्या क्या बनना था टॉपिक्स, हाँ प्रहलाद महाराज का या हम शिक्षा देखते हैं। एक तो उनका पिताजी को शिक्षा देते हैं, पिताजी क्या पूछते हैं उनको, पहला पूछते हैं क्या सीखा, क्या सीखा उन्होंने, उन्होंने तीन श्लोक में बताते हैं। एक है हाँ ये भौतिकों को छोड़कर वृंदावन जाके भक्ति करना चाहिए, हित्य आत्मवतम गृह मंदक वनमगत, वह जगह किस तरह हरिभजन करना चाहिए, सर्वनंग कीर्तनंग विष्णु, यह क्या सीखा, ये सीखा कि स्वर्ण अमर को पास सीखा था यह चीज़। तो पहले हाँ देखो प्रचार कभी कभी हम बोलते हैं हाँ प्रचार करने का मौका नहीं देते हैं कि हिरण ने कुछ भी मौका दिया प्रहलाद महाराज को प्रचार करने के लिए। बहुत जगह कॉम्प्लीट किया था हमको प्रचार करने का मौका नहीं देते हैं, प्रहलाद महाराज किसने मौका दिया प्रचार करने के लिए, तो हिरण्य कश्यप के पास लेक्चर देना चालू कर दिया। हाँ सर्वनम कीर्तन विष्णु कितना फेमस श्लोक आता है उनके पास। तो इसीलिए किसी को कंप्लेन मत करना जहाँ प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, आप प्रहलाद महाराज की याद करना, भाई प्रहलाद महाराज को प्रचार की वो स्थिति में हमको क्या समस्या है। तो ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था प्रहलाद ये तुमको किसने सिखाया, ये स्वर्ण सिखाया नहीं तो उन्हें क्या क्या बताया, ये दूसरा सिखाने से नहीं होता है और खुद का चेष्टा से नहीं होता है और दोनों का प्रयास से नहीं होता, जब तक अदांत गोभी रहते हैं इंद्रियों, जब अनिंद्रिय रहता है तब तक तो कोई सांचे नहीं है। भक्ति करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, इंद्रियों दमन करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने बताते हैं जिस तरह मंदिर में प्रवेश करने पहला काम किया है, पहला काम है नहा के जाना, शुद्ध होकर जाना चाहिए। इस तरह आप गौरी मठ में जब जाएंगे, गौरी मठ देखा गेट के बाहर में क्या है, किसने नोटिस किया है, कोई गौरी मठ में जाओगे गेट के बाहर में कुछ देखा, कुछ आप लोग कुछ ध्यान दिया, हाँ पैर धोने का और गेट में सिंहासन बाहर का गेट में शेर है, सिंहासन हाथी क्या हो रहा है उधर में, कौन किसको मार रहा है, हाँ सिंह हाथी को अटैक कर रहा है, हाथी है इंद्रियों, इंद्रिय तृप्ति का प्रतीक है। या चैतन्य चिंतन पहले ही वर्णन है, हे चैतन्य सिंह अब हाथी रूप इंद्रियों का दमन कीजिए, रूप गोस्वामी का प्रार्थना, सदा हृदय कंदर स्फुरित शचिनंदन हरि पुरट सुंदर, हरि अर्थात सिंह, हरि भगवान पुरट सुंदर द्वितीय ये हो चैतन्य सिंह हमारे हृदय में प्रवेश करके हृदय गुफा में जो हाथी इंद्रदीप्त बैठा है उसको दमन कर। तो मंदिर में घुसने के पहले यह है सिंह हाथी को नियंत्रण करें, अतः मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमें ध्यान देना चाहिए हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रित है कंट्रोल में है, बहुत जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेश में तो पहला श्लोक में कह देते हैं वेग छह वेग दमन करें, शुरू से भक्ति शुरू वहाँ से करना है, लास्ट में कहा जाना राधाकुंड में जाकर रुकना, लेकिन पहले राधा कुंड के उसके बाद इंद्र नियंत्रण करा नहीं चलेगा,
पहले इंद्रियों नियंत्रण करो, वेग दमन करो, उसके बाद राधा कुंड जाओ, नहीं तो राधा कुंड जाके बिल्डिंग खरीद करोगे इंद्र तृप्ति करने के लिए। राधा कुंड के लिए बिल्डिंग खरीद करने के लिए जाना, राधा कुंड से भीख मांगे खाने खाने के लिए। तो पहले इंद्र तृप्ति करना फास्ट, लास्ट में जाके राधा कुंड, वहाँ जाके हाँ तन्नाम रूप चोरित आदि। तो पहले क्या है, इंद्रिय नियंत्रण। तो प्रहलाद महाराज का उत्तर, पिता का क्या प्रश्न था, किसने सिखाया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जो इंद्रिय नियंत्रण अनियंत्रित है उनका धारण, अदांत को भी उनका नहीं, वो विशदांग तामिस, और बार बार पुनः पुनश्चरित चार बनाना। और इस तरह व्यक्ति क्या होता है, अंधा यथाधे रूपनियमाना त्योपि ईश्वतंत्र मूर्धन्य पात्र। उस तरह व्यक्ति को क्या होता है, एक अंधा आदमी को दूसरे आदमी में जिस तरह गड्ढा में लेके जाता है, उनका स्थिति उस तरह होता है। तो उसके बाद बोलते फिर कैसे होता है भाई बताओ, पुनर्वृत्तर की रास्ता है कुछ, तू शिका तो गई, तो बोले बताओ वह से होगा नहीं, समझ गया, होगा कैसे वो बताओ, तुम्हारा तो हो गया ना, तो बताया वो है मुह्यसंग पादरो भी रज अभिषेकम निष्किंचन नवृणत जावत। जब तक शुद्ध भक्त का चरण धूलि से नहाया नहीं, इसका अर्थ क्या है, शुद्ध भक्त चरण धूलि नहाना आता, शुद्ध भक्त आदेश के द्वारा नहाना, आदेश के द्वारा नहाना अर्थात क्या है, ये नहाना शब्द अर्थ क्या है, पानी क्या करते हैं, नहाने पानी क्या करता है, ये पानी डाले पानी क्या करेंगे, नीचे रहते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जाने नीचे तो जाने के लिए क्या करते हैं, परिष्कार करके लेके जाते हैं, जितना धूल मैल सब लेके जाते हैं। तो उनका ये नहाना अर्थ क्या है, पानी से नहाते हैं, क्या करते हैं, सब सफाई करके लेते हैं। उसी तरह उपदेश, उपदेश से सब नहाना है, और हृदय में जितना से मैल धूल सब साफ होना चाहिए। जब तक इस तरह नहीं होगा तब तक भक्ति करने का कोई चांस नहीं है। इस तरह सुनने के बाद हाँ इसको कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, पिता को अच्छा लग रहा है, तो पिताजी हाँ इतना नाराज हो गए भाई इसको तो ये कुत्ते का पूछ है, इसको सीधा करना मुश्किल है, इसको मारना है एक बार तो सबको आदेश दे मारो मारो, हाँ इसको जिंदा रखना जरूरत नहीं। उसके लिए क्या किया, हाथी के पैर नीचे सांप का जान आग में डाला, पहाड़ से ऊपर चढ़ा अस्त्र से, या तो उनका माँ के हाथ जहर भी दिया, लेकिन कुछ नहीं, परेशान हो गए भाई, मुझको देखे सारे दुनिया डरते हैं, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो उनका शंड अमर को ने समझाया, महाराज थोड़ा घबराना मत, हमारे पिताजी शुक्राचार्य स्तर बाहर में है, उनका आने दो, तब तक हमारे स्कूल में हम थोड़ा अच्छा और शिक्षा देंगे, लेकिन जो शिक्षा देने का चलेगा तब तक हाँ प्रहलाद समझ गया मेरा तो फास हो गया, मैं भगवान का भक्त हूँ, अब ओपनली करना चाहिए तो स्कूल के बाद चालू को ट्रेनिंग देना चालू किया, एटवीन आवर में उनका क्लास डिस्टर्ब करके नहीं, उतना ओपनली डिक्लेयर किया नहीं हाँ तो टिफिन आवर में, तो जब संडो अमर को देखते भाई हाँ सारा दिन क्लास देता, उसको ज़्यादा शिक्षा नहीं होता, आधा घंटा ज़्यादा काम होते हैं तो ये मुश्किल होगा भाई, इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये बात यदि राजा का पता चलेगा तो हमारे गर्दन चले जाएगा, तो हमको राजा को बताना चाहिए इस तरह हो रहा है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो राजा को जाकर बताया ये प्रहलाद को हमारे द्वारा होगा नहीं, हिरण्यकशिपु ने बहुत नाराज हो गए, हिरण्य जी कहा हे दुर्विनीत मत आत्मनो कुल भेद करो स्तब्धम मत शासन उद्धृतम निश्च तांग उद्य जमक्षयम
हे दुर्विनीत, हे मंदबुद्धि, हे कुल भेदकारक, हे अधम, तू मेरा शासन लंघन किया। हाँ, तो उसके बाद बताए ओड़े मूर्ख, ये तुमने शब्द लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में यू है, और शिष्य भक्ति चरण गुरु महाराज ने अनुवाद कहा तू, तुच्छ शब्द में है, तुम्हें तो सिर्फ अच्छा बोलना है, तो तुम ही शब्द नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने बांग्ला में अनुवाद किया, इंग्लिश में शब्द तो यू होता है, लेकिन गुरु महाराज ने बांग्ला में बहुत अच्छा शब्द तू, हाँ मेरा शासन लंघन करा, बहुत क्रोध हो गया। हाँ, ओरे मूर पड़ला, हाँ तू जान सकते कि मैं क्रुद्ध होने से लोकपाल से शुरू कर सारे त्रिभुवन काँपने लगते हैं। हाँ, और तुम, हाँ तुम नहीं, तू वायु नकार मेरा शासन को उल्लंघन कर रहे हो। कहाँ से तुमको शक्ति आते हैं? तुम कोई ना कोई से, हाँ मानो अभी मालदीव सरकार, मालदीव का सरकार यदि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलेगा, हाँ तो आदमी सास तो कुछ ना कोई पीछे बोल रहा है, नहीं तो मालदीव का प्रेसिडेंट कैसे नरेंद्र मोदी के किसी ने बोल सकते, जरूर पीछे कोई तो है। तो ये स्वाभाविक, तो इनको भी लग रहा, हिरण्य किसी को लग रहा भाई इनके पीछे है कौन, इतना साहस कहाँ से। तो वो प्रहलाद महाजन उत्तर देता है, आप जहाँ से शक्ति देखते ना, मेरा शक्ति एक जगह से थे आते हैं। वाह, वो हीरो पर क्या बोला है, मेरा तुम्हारे शक्ति जहाज से, मेरा शक्ति एक जगह से, तुम्हारी शक्ति तो विष्णु से, मेरा शक्ति विष्णु से क्यों आएगा, और ज़्यादा नाराज हो गया। तो बताते हैं और प्रहलाद महाराज बताते हैं, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाहते हैं रहे हैं, वही आपके बल का भी स्रोत है। निश्चिंत समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वो न केवल आपका या मेरा बल है, अभी तो सबके एकमात्र बल है। फिर मैं देखो प्रचार यदि करना चाहते हैं, मौका कम नहीं है, ये भी लेक्चरें दे रहे हैं, भागवते दे रहे हैं, शुद्ध भक्त के बाद भागवते होते हैं। ये हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर क्या फालतू बात कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज भागवत प्रवचन दे रहे हैं, इसीलिए हाँ शुद्ध भक्त कोई कभी जगह से, जिस तरह आप मानो इस्कन में एक एक जो जीबीसी जो गुरु, कितना सारे टेंशन वाला काम है, मानो कोई पॉलिटिशियन कुछ बोल दिया, खाली इंडिया नहीं सारा दुनिया में, एक जीबीसी चेयरमैन आप सोचो, सारा दुनिया में कोई एक भक्त कुछ बोल दिया, कोई दिशे प्रेसिडेंट के बारे, उसको आपको सुनना पड़ेगा, आपको अमुक दिशे देश में एक लड़का देश सरकार को, इतना कुछ हाँ टेंशन है, एक बड़ा जगह में रहने से कितना टेंशन है। तो इस्कॉन का जो बड़ा कर्तृपक्ष है, उनके खुद का भक्ति है, सारे दुनिया इस्कॉन को चलाना है, और इस तरह बहुत सारे शिष्यों का भी समस्या है, कोई शिष्य कौन काम नाराज है, कोई मानो कोई जगह किसी को एक्सपायर हो गया है, कोई शिष्य व कौन का रिश्तेदार, उनको भी सांत्वना देना, मैनेजमेंट भी कोई आदमी नाराज है, तो सब कुछ सोच कर हमारे इस्कॉन में जो जीवीसी गुरु वर्ग जो बराबर जब भागवत प्रवचन देते हैं, समझ में आपको लगता है कोई टेंशन में भोग रहा है, पता ही नहीं चलता है ये लोग इस तरह काम करते हैं। भागवत जब कथा करता है चलते ना, दुनिया में इस तरह काम लोग करता है, टेबल में बैठ के इस तरह मैनेजमेंट करता है, इस तरह डांटते हैं, लेकिन जब भागवत का ही बढ़ते बस दुनिया बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ, ये है शुद्ध भक्त धीर रहता है, यह प्रहलाद महाराज का कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो हिरण्यकशिपु इतना तपस्या कर, कितना शक्ति है, टेंशन कौन भोग रहा है, उनका है, प्रहलाद में तपस्या करने पीसफुली रह रहा है। हाँ, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। हाँ, मैं लास्ट बार जब गया था अमेरिका, लग रहा है
22 घंटा का फ्लाइट है, मेरे समन में एक व्यक्ति वीडियो देख रहा है, हमेशा नज़र उधर में जाते हैं, नींद जब नहीं दे जाते हैं। वह क्या एक लड़की और सेल्फ कैराटी सीख, सेल्फ डिफेंस, और उसके कारण सारे 3-4 घंटे जितना सिनेमा हुआ है सारे जीवन होकर फाइटिंग ही कर रहा है। वाह, सेल्फ डिफेंस सीखने के कारण पूरा जीवन फाइटिंग ही करना पड़ा। सेल्फ डिफेंस नहीं करके एक लड़का को शादी कर लेते थे, आराम में सोता था लेकिन वो कोई लड़का को शादी करेगा नहीं, वो सेल्फ डिफेंस करेगा। कैराटी सीखा, सीखने तो कितना जीवन किया और पूरे जीवन को फाइटिंग ही कर रहा है। भाग्य जो मरा नहीं, फाइटिंग में देखा नहीं है, लेकिन पूरे जीवन फाइटिंग किया, क्या जीवन हुआ है यह मजा है क्या, पूरे जीवन फाइटिंग किया, क्या दुख है इन लोग। तो इसको बुद्धि में समझते हैं, और जो देख रहा है वो देखते, देखो ये लड़की क्या जीवन में क्या अचीव किया है, पूरा जीवन फाइट कर गया। जो देख रहे हो तो पागल है, जिन्होंने सिनेमा बनो कितना बार पागल है तो वह सोचते ये जीवन का लक्ष्य है, सेल्फ डिफेंस करो। क्या सेल्फ डिफेंस करेंगे तो ये हिरण्यकशिपु दोस्त था, हिरण्यकशिपु उस तरह शक्ति कार्य तपस्या किया, लेकिन बाद में क्या हुआ उनका, 5 साल के बादशाह को भी उनको चैलेंज करने के लिए पिताजी को, पिताजी को कोई बुरा शब्द बताया, कभी विरोध किया पिताजी के साथ, क्या बोला हरे कृष्ण जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, प्रहलाद इस तरह कभी कहा नहीं, मैं हरे कृष्ण करते करते विष्णु को बोला कि एक दिन तुमको गला घाटूंगा, इस तरह कोई डराया नहीं उनको, केवल विष्णु का नाम जप करते थे। लेकिन वो बच्चे को देखे टेंशन हो रहा है, भाई तुम्हें इस तरह तपस्या का फायदा किया है, और छोटा प्रहलाद जो देखा मुर्गा पिताजी के तरह सारे देवता सब कांप रहा है, उनका डर नहीं है। हाँ, ये एक सीखने का विषय है, भगवत भक्ति कितना शक्तिशाली है। तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पिताजी आपका शक्ति का उत्स मेरा एक ही है, निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वह न केवल आपका यह मेरा बल है अभी सबके एकमात्र बल है, आपके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, सॉरी उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। आप सुना ना यह क्या का मोहम्मद अली का क्या बोलते थे, आंधी उसके बाद क्या होता, जब पार्किंसन जो होता है खुद का खाना उठेगा नहीं खा पाते थे, भगवान उनको सिखाया, पार्किंसन हाथ में कांपते हैं खुद का खाना उठा के मुख में नहीं खाते। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप अभी क्या बोलना चाहते हैं, आप तो हमेशा बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, आप क्या बोलना चाहते हैं, रिपोर्टर तो सुनने वाला है नहीं, जो जितना बड़ा होगा ना उनके पीछे उतना आदमी लगेगा, इसीलिए आप लोग ज़्यादा बड़ो बनने का कोशिश मत करो, को भक्ति हम या क्या बोले मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे, जितना बड़ो बनेंगे उतना कैमरा लगेगा शत्रु बढ़ेगा, पीसफुली भक्ति करो मजा में रहोगे तो उनके पीछे लग गया, भाई तुमने बोला आई एम द ग्रेटेस्ट, अभी क्या बोलना चाहते हो, अभी बोलेगा आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन फिर भी बोला हाँ आई एम स्टिल ग्रेटेस्ट, क्यों, बोला आई एम द ग्रेटेस्ट फूल लेकिन उनको भी तो अक्कल हो गया, हाँ पहले जो बोला था वो सही नहीं था। तो अहंकार है, ये सारे शक्ति भगवान से आते हैं। अरे तुम खाना खाकर डाइजेस्ट करने का तुम्हारी क्षमता है क्या, भगवत गीता पहले अब अहं वश्चन भूतल प्राणी नाम देव मचन, हम खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट करने का क्षमता भी भगवान देते हैं, तो हमारे पास क्षमता है क्या जिसके लिए अहंकार करते हैं। तो उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं, परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रिय के प्राण है, उनका प्रभाव असीम है, वो समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों का नियंता है, वे आपकी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं।
इसीलिए पिता को एक प्रकार उपदेश दे रहा है। थोड़ा साधु लोग को उपदेश तो कड़क नहीं होते, मीठे मीठे उपदेश होते हैं। जिस तरह आप लोग कल आज प्रभुपाद प्रभुपाद बहुत साइंटिस्ट उसको निंदा किया, निंदा किया नहीं, निंदा किया नहीं। जब पिताजी पिताजी के बच्चा के बारे में बोलता है, किसी को कोई उनके फ्रेंड को बोलता है मेरा बच्चा इतना बदमाश है कोई बातें नहीं सुनते हैं, क्या पिता निंदन कर रहा है उनके फ्रेंड के सामने? हाँ बोल क्यों निंदा नहीं, उनकी चिंता कर रहा है। हाँ उनकी फिक्र या चिंता कर रहा है, उनके दुख प्रकाश कर रहा है। तो किसी को बस बोलना तो निंदा है ना, फिर किसी को बस बोलना निंदा है कि नहीं? मैं आज ही सोच रहा था कि गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन के मेरा रियलाइजेशन था, भाई इस तरह तो कोई आदमी बोल सकता है, एक प्रकार तो निंदा है। यदि भी इस तरह बोल रहा है, मानो पिताजी तो उनके फ्रेंड के बोल रहा है मेरा बच्चा लोग इतना बदमाश है, पढ़ाई नहीं करना, किसी बात नहीं सुनना आता है, इतना बदमाश है, ये क्या है? दुख प्रकाश कर, वो नहीं देखना चाहते इस तरह स्थिति में। लेकिन एक बात है, एक पर निंदन है। अरे वाह, हाँ बात कर देगा। वास्तव में ये निंदन नहीं है, क्योंकि क्या पिता किसी बच्चा किसी निंदन कर सकते? निंदन एक क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट एक सर समझने की कोशिश करना, क्यों निंदन नहीं? मैं पिता उस तरह फ्रेंड को बोल रहा है जो कुछ समाधान दे सकते। क्या वो पुलिस के जाके बोलता है कि पिता जिस तरह मेरे बच्चा के बारे किसको बोलते हैं? हाँ पुलिस को बोलने के लिए क्या किसको बोल रहा है? उनको हिताकांक्षी है जो इसको मदद कर सकते, तो ये निंदन हो गया क्या? क्यों उनको बोल रहा है? क्योंकि उनके पास मदद चाहते हैं, बच्चा को देखभाल करो। तो इसी तरह प्रभुपाद जब आप लोग को पुस्तक में लेकर आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग मदद चाहते हैं, भाई ये विज्ञानी लोग असुर लोग मेरा भी संतान है, इनको थोड़ा मदद करो। इसका निंदन नहीं है। तो पिताजी प्रहलाद जी पिता को उपदेश नहीं दे रहे, दुख प्रकट बोलता है हे पिता जो ही असुरम भावम इमम तम, आप इस तरह असुर भाव को त्याग कर दीजिए। हाँ आपको शत्रु मित्र भेद कर दीजिए। और लास्ट श्लोक में बोलते हैं, बहुत पावरफुल श्लोक बोलते हैं, हे पिताजी पूर्व में बहुत बहुत व्यक्ति सारे दिशा जय के लिए सारा पृथ्वी जय किया है, लेकिन उनका 6 इंद्रियों का दमन नहीं कर पाया। क्या वो शत्रु का दमन किया हाँ कि नहीं? प्रहलाद महाराज पिता को क्या एग्जाम्पल दे रहा है? पिता पहले बहुत बहुत राजा है, सारे दुनिया जय कर लिया है, लेकिन उनके काम क्रोध लोभ मोह इस 6 रूपों का दमन नहीं कर पाया। क्या उन्होंने जय किया? तो असली वीर कौन है? असली वीर कौन है? जो इंद्रिय जय कर लिया। क्या हिरण्यकशिपु को सुनने बात अच्छा लगा कि हिरण्यकशिपु क्या बोले? छोटा बच्चा तुम मुझको अजितेंद्र बोला, तुम खुद को जितेंद्र बताते हो। वास्तव में यही बोलना चाहते हैं ना, पिताजी आप अजितेंद्र है इसलिए टेंशन लेना ज्यादा है, आप इंद्र जीत लो कोई समस्या नहीं। वास्तव में यही है, लेकिन उस तरह इतना कौरव भाषा बताया नहीं, लेकिन हिरण्यकशिपु समझ गया ये बोलना चाहते हैं, लेकिन बात तो सही है। लेकिन मैं इस तरह कंक्लूशन देना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे साथ भी इस तरह कोई वक्त किसी के साथ हुआ, आपका कोई निंदन किया है आपको साथ हुआ? किसके साथ हुआ? कोई भक्त आपको कोई निंदन किया, कितना कष्ट लगा? बहुत कष्ट लगा। लेकिन वो व्यक्ति जितना कष्ट दिया है आपको, जो अनियंत्रित इंद्रिय कौन ज़्यादा कष्ट दे सकते? हाँ तो कौन सा शत्रु बड़ शत्रु है?
जो व्यक्ति आपको एक पत्थर निंदन किया है, कष्ट दिया है, और अनियंत्रित इंद्रिय कौन सा ज्यादा बड़ शत्रु है? तो दो शत्रु आया है, छोटा एक बड़ा। किसको किसको पीछे टाइम दोगे? हाँ, ये समझना कठिन बात है क्या? दो शत्रु अटैक कर रहा है, किसको किसको फाइट करना जाना चाहिए? बड़े इंद्रिय। तो कोई आदमी निंदन कर उनके पीछे भागोगे कि खुद का काम करो के पीछे भागोगे, कौन सा? हाँ, आज के शिक्षक प्रहलाद महाराज यह लेना चाहिए, भाई दूसरा आदमी क्या बोलोगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंद्रिय, अनियंत्रित इंद्रिय। तो इसीलिए हम प्रहलाद महाराज के प्रार्थना करेंगे, हम हमको शक्ति दे, जिस तरह उन्होंने पिता को उपदेश दिया हमको भी उस तरह शक्ति दे, ताकि हम इंद्रियों को दमन करके भगवान का भक्ति में लगा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे।